बिहार के एक छोटे से गांव से उभरता हुआ सितारा कुछ ऐसा ही था बंटी। लालटेन की रोशनी में कुछ कर दिखाने की चाहत थी उसमें। अपने बाप का एक लौता बेटा जिसको अपने माँ के आंचल की छाया कभी नसीब ही नहीं हुई। घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी फिर भी सुरेंद्र जी ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। चिलचिलाती धूप में मेहनत खून पसीना एक करके अपने बेटे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और बड़ा। उन दिनों उसके मैट्रिक के रिजल्ट आ गए और अपने पापा के विश्वास को जाया ना करते हुए उसने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन भी हासिल किया। अब सुरेंद्र जी को खुशी और चिंता दोनों थी। खुशी इस बात की कि गांव में उनके बेटे ने उनका नाम रोशन किया और चिंता इस बात की कि कहीं आर्थिक स्थिति की वजह से उनके बेटे के सपने कहीं अधूरे ना रह जाएं। अब सुरेंद्र जी के पास सिर्फ दो रास्ते रह गए थे। पहला, बेटे को गांव के किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला करवा दें या तो कहीं से कर्ज लेकर उसके सपनों को एक नई उड़ान दें। अब बंटी के जुनून को देखते हुए सुरेंद्र जी इसी रास्ते पर निकल पड़े और पहुंच गए एक बड़े जमींदार के पास। जमींदार की नजर में सुरेंद्र जी की इज्जत तो बहुत थी लेकिन अपनी बेटी के शादी में लिए हुए कर्ज को वो पूरी तरह चुका नहीं सके थे अभी तक, इसलिए जमींदार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पैसों की जरूरत को देखते हुए सुरेंद्र जी ने अपनी बची खुची जमीन को भी गिरवी रख दिया और बंटी को बाहर भेजने की तैयारी में लग गए। जिस बच्चे को आज तक अपनी नजरों से कभी दूर न होने दिया उसे आज अपने दिल पे पत्थर रखकर पढ़ने के लिए बाहर भेजना था। अब सुरेंद्र जी को चिंता इस बात की थी कि वो भोला और मासूम सा चेहरा उस दौड़ती भागती परिस्थिति में कैसे ढलेगा। चलो देखते हैं कैसे ढलेगा। इस साल अब बदलाव भी क्या कमबख्त चीज है। रुकी ही सीढ़ी पे खुद चलने वाला लड़का आज चलने वाली सीढ़ी पे खुद रुका हुआ था। हाँ, आस्तिक तो शुरू से ही था पर डर था शहर की हवा कहीं उसे आशिक न बना दे। शहर नया, लोग नए, परिस्थिति नई, साले दोस्त भी नए। कोका कोला तू शोला शोला तू मेरी अरे दिल की प्यास बुझाना तू मेरी दिन भर के थकने। भाई चल तुझे माल मतलब मॉल दिखाते हैं। ये तो गया माल देख मॉल देखने। मटर गश्ती खुली सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते सु।
से सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो हो Get out from the class. बंक मारकर कार्ड्स खेलना और अपनी लाइफ के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी को और भी मिनिमाइज कर देना, ये इनकी रूटीन बन चुकी थी। क्या वो किस कौन है कारे देख ले कॉल है देख अरे कौन है भी जाते रहेंगे तो अल्लाह मत करना यार हाँ पापा हाँ बोल पाने गोल लगी थी बोले पाने हाँ पापा अभी पढ़ ही रहे थे वाह क्या लाइन है साला, वहाँ पापा खुश यहाँ ये खुश। साइकिल से आया तेरे साइकिल से रे राची से और किला तेरी ली थोड़ी चीप दो मेरा पैर दबा दो मर जाएंगे मिट जाएंगे। यूं ही हंसते खेलते जेई मेंस भी बीत गया। आपने तो सुना ही होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यहाँ तो शैतानों को शैतानी करने की आज़ादी भी मिल गई। नशा करना, मारपीट करना, ये सब तो अब इनकी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। अय्याशी तो चल ही रही थी, फिर दिल क्यों चुप बैठता, वो भी चलता। मांगे आंखें मेरी हो जाना तेरी जुस्त जुमे कटता हर दिन मेरा जाना वे मोहब्बत करते रहना रे। यार प्यार तक तो ठीक था, लेकिन ऐसा प्यार कभी रीति से तो कभी प्रीति से, कभी मोनिका से तो कभी सोनिका से, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। यही तो मेरे साथ भी है, कभी रितु से तो कभी नीतू से। क्या बात कर रहा है? हाँ यार सच में सारे लड़के का क्यों प्रॉब्लम? अब तक प्रॉब्लम थी कहाँ, प्रॉब्लम तो अब होगी। ये क्या हो गया, मैं JMS क्वालिफाई नहीं कर पाया? जिस मकसद से पापा ने मुझे यहाँ भेजा था वो तो अधूरा ही रह गया। अब कैसे बताऊं उन्हें कि उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया? अब कुछ भी नहीं बचा, बची कुछ जमीन भी बेच दी थी पापा ने मेरे लिए, और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? धोखा। हाँ धोखा ही तो दिया ना, पढ़ने के बजाय मैंने यहाँ मटरगस्तियाँ की, कैसे होता रिजल्ट? इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं मैं पापा को नहीं बता सकता कि मैं हार चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। अब कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, सब खत्म हो चुका है। आई क्विट पापा, आई क्विट। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई बंटी की कहानी तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन आपको क्या लगता है, ये रास्ता उसके लिए सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बंटी इस दुनिया में अकेला ऐसा बंदा नहीं है जिसके पापा ने बाहर भेजा उसे पढ़ने। ऐसे इस समय इंडिया में हजारों हैं, लाखों हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है, तो किस वजह से? सिर्फ एक गलत ट्रैक पर चलने।
तो किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन पे क्या बीतेगी तुम्हारी ये अटेम्प्ट देखकर? खुश होंगे, शाबाशी देंगे? नहीं, बल्कि जिस बेटे बेटी से उन्हें उम्मीद थी उसको मरा हुआ देखकर वो रोएंगे, खुद को कोसेंगे वो लोग। वो भी आपकी ही बातें करेंगे, फलाना साहब के बेटे ने ऐसा किया, चिलाना साहब के बेटे ने ऐसा किया, क्या परवरिश किए होंगे वो लोग अपने बेटों की। लीजिए, आपके वजह से अब आपके पेरेंट्स पे भी उंगली उठने लगी। खुद तो खत्म हो गए, साथ साथ फैमिली के भी फ्यूचर को खत्म कर दिए। वैसे अभी रिजल्ट का दौर चल रहा है ना, 10th का 12th का, जेई मेन्स, जेई एडवांस, नीट, एम्स और भी बहुत से स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिजल्ट आए होंगे। भाई सच बता रहा हूँ, 40% एस्पायरेंट्स तो बहुत खुश होंगे कि उनका सिलेक्शन हो गया, रैंक आ गया। भाई ऑल द बेस्ट बोलूँगा उन सभी को मेरे और मेरे पूरे टीम की तरफ से। लेकिन 60% ऐसे भी बंदे होंगे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ, नहीं कर पाए क्वालिफाई। उनको बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, ये रिजल्ट लाइफ का लास्ट रिजल्ट नहीं था, इससे तुम कोने में उदास होकर मत बैठो, मत हारो इस गेम को, बस उठो और अभी से ही पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहो। दावे के साथ कहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप भी सेलेक्ट होंगे और आपके भी पेरेंट्स का नाम रोशन होगा। एंड अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों को डांटने और सुनाने से अच्छा होगा उन्हें हर स्टेज में सपोर्ट। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब